देश भर में आंधी तूफान के कहर से मरने वालों की संख्या 40 के पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 20 जिलों में डाले जा रहे वोट। उत्तर प्रदेश के राजपुरा के संभल में खराब मौसम ने बरपाया कहर। बिजली गिरने की वजह से 100 घर आग में जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे आज एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले पर अपने कबूलनामे को लेकर आलोचनाओं से घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। उन्होंने अब दावा किया कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। ओडिशा के कंधमाल बलागीर जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली हुए ढेर। नक्सलियों के पास AK-47 के अलावा कई और हथियार, गोला बारूद बरामद। सूर्य उवाच जैसी कविता लिखने वाले मशहूर बाल कवि बैरागी का 87 साल की उम्र में निधन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैरागी की कविता को लिखते हुए उनके परिवार वालों के लिए संवेदनाएं की जाहिर। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर ने एक बार फिर शानदार पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से जीत दिला दी। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए थे। फ्लिपकार्ट शॉपिंग डे सेल में शियोमी रेडमी 5A को 291 रुपए की EMI पर खरीदने का मौका। मिल रहा है 2200 रुपए का कैशबैक। उत्तर प्रदेश के हरदोई के अस्पताल की लापरवाही आई सामने। 5 साल के बेटे की लाश हाथ में ले जाने को मजबूर हुआ पिता।